अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी सुबह सुबह का टाइम है, पहले से मैं जा रहा हूँ बाहर सैर के लिए। तो सैर करने के बाद जब वापस आऊँगा आके फिर उधर ही नाश्ता करूँगा, उसके बाद जो मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास वहाँ पर जाना है, उसके बाद मैंने स्टार्ट भी जाना है कुछ एक दो काम के लिए। तो अभी चलते हैं बाहर सैर के लिए। अभी मैं सैर के लिए जा रहा हूँ, चार पाँच माह के बाद अभी आस्ता आस्ता मैंने चलना शुरू किया है। तो इंशाल्लाह ताला अभी चलना शुरू करूँगा, जब थोड़ा कुछ स्टैमिना बेहतर होगा तो फिर आस्ता आस्ता जो वो वर्जिश करने भी शुरू करूँगा। तो हमारे गांव का मैकडोनल्ड वो सामने चंद गाड़ियाँ खड़ी हैं सुख नाश्ते के लिए। तो ये देख, ये देखिए जी हमारे गाँव के पहले हैं यहाँ पे, पता नहीं अभी उन्होंने क्या काश्त करना है, पहले कुछ लगा हुआ था, ये ज़मीन तैयार की है उन्होंने। देखें ये सारी जो है, ये सारी जो है ज़मीन तैयार की है, पता नहीं इसमें क्या कुछ लगा दिया या कुछ लगाएंगे इसके अंदर यहाँ पे। तो ये साथ में वो सामने जो सेब के दरख्त लगे हुए हैं साथ में, और उसके आगे पता भी पैरी है जो सारी, और इसमें पता नहीं क्या लगेगा, कुछ लगाएंगे इसमें। ये जिस तरह हमारा गांव, ये अगर मैं बाहर से देखूं, अभी मैं अपने गांव से बाहर आ चुका हूं। ये देखें ये सारा गांव जो पीछे नज़र आ रहा है, यहां से साफ दिखाई तो नहीं दे रहा क्योंकि मैं काफ़ी नीचे हूं। ये सड़क, ये ऊपर आपको सड़क नज़र आ रही है जो है, ये ऊंचाई पे है काफ़ी, तो मैं काफ़ी नीचे हूँ तो इस वजह से। ये देखें मेन रोड है वो सामने मैकडोनल्ड जो भी मैंने दिखाया, इस तरह ये सारा गाँव जो है। गर्मियों में ये सारे दरख्त हरे भरे होते हैं, लेकिन सर्दियों में ये देखें सारे दरख्त जो है बिल्कुल पत्ते झड़ चुके हैं सारे। ये नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे सारे पत्ते जो हैं सारे नीचे पड़े हुए हैं। तो अभी मैं थोड़ा ऊंचाई की तरफ आया हूँ, वो देखें वो नीचे से मैं ऊपर आया हूँ। तो अभी ऊपर आ रहा था तो अभी मेरी सांस भी फूल चुकी है, ये बेकरी है। अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे बैठ कर नाश्ता करूंगा। ये सारा जो है अभी आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें इधर उन्होंने बैठने की जगह भी बनाई हुई है, ये सारी जगह जो बैठने की है, यहाँ पे आप बैठ कर अंदर नाश्ता कर सकते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं और नाश्ता ले कर तो कोई नाश्ता करते हैं जी। अभी नाश्ता लेके मैं बाहर आ गया हूँ, ये देखिए ये मैं काफ़ी लेके आया हूँ बाहर जो है। ये अमेरिका तो उसने मुझे बैठने नहीं दिया, नाश्ता मेरा प्रोग्राम था वो भी बैठ के करता हूँ बेकरी में, तो उन्होंने कहा कि आप तो बैठ नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि आपकी जो वैक्सीन की जो पास है वो उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है। तो नाश्ता तो मैं यहाँ बैठ के कर नहीं सका, तो इसलिए अभी मैं घर जा रहा हूँ वापस, और वहाँ पर अभी नाश्ता मैंने कॉफ़ी भी ले लिया साथ में, और नाश्ता भी ले लिया, और अभी जा कर घर में जो है तो वहीं पर बैठ कर नाश्ता करूँगा। काफ़ी तो जाते जाते काफ़ी तो मैं रस्ते में पी लेता हूँ, नाश्ता फिर घर जाके करूँगा क्योंकि काफ़ी ठंडी हो जाएगी घर पहुँचने तक। अभी सवा एक बज चुका है तो इसलिए मैं अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ क्योंकि 1:30 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है, मैंने इंजेक्शन लगवाना है शोल्डर पर, तो अभी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। 5-10 मिनट लगेंगे मुझे डॉक्टर के पास जाते हुए, पैदल जा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी पे मैं पार्किंग जो है वो शहर के सेंटर के अंदर है डॉक्टर जगह, तो पार्किंग जो है थोड़ा मुश्किल से मिलती है, तो इसलिए मैं पैदल जा रहा हूँ। अभी यहाँ डॉक्टर के पास बैठ के कमरे में वेट कर रहा हूँ, मेरे इधर बिठा दिया है, ये फॉर्म दिया मुझे फिल करने के लिए, तो अभी वेट कर रहा हूँ जब डॉक्टर आके मुझे इंजेक्शन लगा। ये जी सारा रूम जहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ, मैं बैठा भी वेट कर रहा हूँ, अभी तक डॉक्टर आया नहीं है। मेरे एक्सरे जो है वो शोल्डर के एक्सरे जो है वो आ गए हैं कंप्यूटर पे, तो अभी डॉक्टर आएगा तो ये देखें ये मेरे शोल्डर का एक्सरे। इंजेक्शन लगवाने के बाद मैं बाहर आ चुका हूँ। ये इस गांव की सबसे पुरानी बिल्डिंग है,
ये पुराना मागडोर है जो असल, ये मैंने देखा था इसके अंदर 1200 और शायद 1230 की ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये हमारा जो है इसके नीचे भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जाके, कौन से सही मैं बताता हूँ कौन से सन में ये बनी थी। ये इसके ऊपर लिखा है 1534 की ये इमारत बनी हुई है बिल्डिंग, ये देख रहे हैं आप 1534 में ये बनी थी। ये अभी इस वक्त क्रिसमस का महीना शुरू हो चुका है तो इस वजह से ये देखें, ये हर तरफ जो है ना क्रिसमस के ट्रीज सड़कों पे ये भी लगाए हुए हैं। अभी मैंने खाना खा लिया और अभी मैं फ्रीडस्टड जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पीआरपी के लिए जो मैंने बाल लगवाए थे हेयर प्लांटेशन के लिए, बाद में पीआरपी करवानी पड़ती है तो वो एक महीने के बाद अभी पीआरपी के लिए मैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा हूँ फ्रीडस्टड, क्योंकि मैंने उसको कॉल किया काफ़ी दफ़ा तो वो कोई टेलीफोन उठा नहीं रहा, तो इस वजह से अभी मैं वहाँ पर जाके तो अपॉइंटमेंट लेके आता हूँ। बिस्मिल्लाह अभी चलते हैं फ्रीडस्टड। फाइनली यहाँ पे पार्किंग मुझे मिल गई है जी, तो थोड़ी पीछे मिली है लेकिन कोई बात नहीं, मिल गया है। आगे मैंने देखा तो आगे कोई पार्किंग थी नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पे गाड़ी कर दी है, तो अभी यहाँ पे गाड़ी जो है खड़ी करके तो थोड़ा पैदल जाके आगे जाऊँगा क्योंकि आगे मैं चक्कर लगा के हूँ, आगे मुझे पार्किंग मिली नहीं है, तो यहीं पर गाड़ी खड़ी करता हूँ तो आगे चलते हैं पैदल। यहाँ से मुझे गाड़ी की पार्किंग टिकट निकालनी है, ये देखें जी ये टिकट निकाली है मैंने यहाँ से गाड़ी की पार्किंग के लिए। इस तरह मैंने इसको रख दिया सामने, जब वो आएगा तो इसको देख लेगा जो, अगर ना लगी हो तो फिर वो जुर्माना करके जाएगा, तो इसलिए अभी मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ और आगे पैदल चलते हैं। अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई है अगले मंगल की, तो अभी पीआरपी करवाऊँगा बस सर पे बालों के लिए, वो तो लाजमी थी, शुक्र है कि मुझे अपॉइंटमेंट जल्दी मिल गई है। तो ये देखें जी अभी मैं आप लोगों को अपना ये शहर जो आया हूँ तो थोड़ा सा दिखाता हूँ शहर का मंजर जो है, ये देखें ये शपारका से की बिल्डिंग है और ये सारा जो है शहर नीचे जो है, ये स्टड फ्रीडस्टड है और ये है जी वो क्लिनिक सामने, यहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट ली है अभी। तो ये फ्रीडस्टड का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन आती है, ये जी इस तरह। अभी शाम का टाइम हो चुका है तो मैं इधर आया था तो मैंने सोचा चलो अभी आप लोगों को थोड़ा शहर दिखा दूँ, सी पे जाके दिखाता हूँ। इस वक्त जो है मौसम साफ है इधर, तो सामने स्विट्ज़रलैंड के जो शहर हैं गांव हैं वो नज़र आते हैं, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें वो सामने कितना प्यारा, सामने ऊपर जो है चाँद नज़र आ रहा है, शायद आप लोगों को मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ इधर जो है, ये देखें चांद और साथ में एक तारा भी है, ये सामने जो वो सामने देखें सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, सामने चांद के नीचे जो है ये सामने ऊपर चांद है और ये जितनी लाइटें आपको सामने नज़र आ रही हैं ये सारी जो है ये स्विट्ज़रलैंड के सामने गांव है, ये देखें ये सारे गांव जो हैं ये स्विट्ज़रलैंड के सारे, मौसम साफ है तो इसलिए हर चीज़ें, ये पहाड़ है पीछे और नीचे जो है सारे गांव हैं, ये सारे स्विट्ज़रलैंड के गांव हैं, ये देखें ये जितनी लाइटें सामने नज़र आ रही हैं ये सारे स्विट्ज़रलैंड के गांव हैं छोटे छोटे जो है, वो सामने देखें ये भी इधर भी देखें, ये एक मुझे शिप भी नज़र आया इधर जो है अभी, ये देखें ये शिप जो है वो स्विट्ज़रलैंड से आ रहा है, ये पानी के अंदर ये स्विट्ज़रलैंड रोमन सोन से आ रहा है इधर फ्रीडस्टड में आएगा, ये देख रहे हैं आप सारी लाइटें लगी हुई हैं इस तरफ भी हैं सारी जो है और इस तरफ भी हैं सारी जो है, ये देखें
ये सारी लाइटें नज़र आ रही हैं, और मैंने इधर सामने जो है जाना है, ये सामने भी देखें, ये भी, ये देखें सामने स्पार्कर्स है, ये भी, और ये सारे स्ट्रीट पे ये देखें लाइटें लगी हुई हैं। नाइट व्यू हैं जो, और ये है जी स्पार्कर्स के साथ स्ट्रीट, स्ट्रीट पे ये देखें कितनी खूबसूरत लाइटिंग की है उन्होंने सारी जो है। रात को जो है वो फ्रीडम साहब मुझे ऐसा दिखाई देता है। ये मैं अभी सेंटर के अंदर हूँ, ये सेंटर है फ्रीडम साहब शहर का, बिल्कुल जो सेंटर है वो ये है, ये सेंटर वाला का है। यहाँ पे सारी मार्केटें दुकानें सब, ये सब जो सामने नजर आ रहा है ये सारी मार्केटें दुकानें हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। ये लाइटिंग ये बहुत खूबसूरत लाइटिंग है, ये ऊपर छत पे होगी, ये हर साल इसी तरह डेकोरेट करता है मकान को जो है। ये आप देख रहे हैं ये सारा।